इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, तिलकेश्वर शर्मा जी सैन हो वार्ड नंबर 3 के, वो मर गए हैं, देखिए इनको कहाँ जलाया जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से माननीय महान नेताजी सबको कहना है, जो कम से कम गरीब के लिए एक श्मशान घाट बनना चाहिए, ताकि गरीब जो है वहाँ लाश जलाए, ये नहीं जो कहीं भी लाश जला दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। जो ज़मींदार है इस गांव के, जिनके पास ज़मीन है, वो तो अपना लाश अपने ज़मीन में जलाते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए जो है कोई देखने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। अभी तक कोई श्मशान घाट नहीं बना है। बनना चाहिए कि नहीं, तू सब की कहे छ, कह सके की राय छ, लाबे छ कतो जला दे छ। क्या हाल है ललन नेताजी? हाँ, क्या हाल है? फेसबुक पर कहीं भी ला के जला देते हैं कि कहिएगा नेताजी को जो श्मशान घाट गरीब के लिए कहीं बनाए, ताकि वहाँ गरीब को जलाया जाएगा, कि कहीं जला दीजिएगा। वीडियो बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं। बोलिए ना, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। नेता सब का श्मशान घाट बनेगा, गरीब लोग का नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नेता सब का तो अपने जमीन है, तू काहे बनाएगा श्मशान? किसको जमीन है, कहाँ जमीन है उसको? नेता सब को नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। इतना बड़ा खड्डा खोना जाता है, वो नेता हो चाहे आम पब्लिक हो, प्रधानमंत्री हो। हाँ सही बात, सबके लिए क्या होता है। हाँ। एक तो बात, तो हमको छुट्टिए गया भोर में, क्या लोन के किस्त जमा करने जो कहते थे हम आपको। हाँ। उसमें एक तो बात छूट गया, क्या जो बताइए फटाफट, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, हम गरीब गुरिया मर रहे हैं, आ इधर रोड कात में हम लोगों का लहास जलता है। वास्ते ने बहुत दिन से जल रहा। आप तो क्या कहता उसको, सोच का प्रगति कहता, क्या कहता उसको, उन्नति जो होता है, प्रगति उन्नति होना, प्रोग्रेस में हाँ प्रोग्रेस में, मतलब काम प्रोग्रेस में है ना, कुछ नहीं हो रहा है। रोड का हम लाश जला रहे हैं, देख लीजिए आप, देख सकते हैं आप लोग कहाँ जल रहा है। और आज से नहीं, इससे पहले भी जो है, तोहर सबके की विचार छ, श्मशान बनना चाहिए, गरीब आदमी ला बनना चाहिए? नहीं भले जे कतो लाभ लिए डाल दलिए जला दलिए लाश, है कि नहीं बनना चाहिए? सब आदमी आवाज उठेबक तब ने हेतै, कि हमरा अकेले कहला से हेतै, हमरा तो भगवान ढेरी देने छे, कतो जला लेबे माय बाप के? हाँ बिल्कुल जा रहल छे, सबके आवाज आबि रहल छे। आप लोग इस वीडियो में सुन रहे होंगे, जो ये लोग सब आदमी का इच्छा है, जो गरीब के लिए एक श्मशान घाट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, ताकि ये लोग को अभी निर्धारित हो, जो यहाँ जलाना है वहाँ जलाना है, इन लोगों का कोई, देख सकते हैं वीडियो में दिखाया आपको, और सभी लोगों का राय है, एक ही कहना है, एक ही मत है, जो श्मशान घाट गरीबों के लिए बनना चाहिए, जरूरी है सुखपुर में बनना। तू जाए वाला छो? चलिए देख सकते हैं आप लोग, ये भी जाने वाले हैं अब। आई जितना लोग सोए हुए हैं, ये लोग सब का बारी है, की बुरबा तोरो हेता है निकाल, तू बहुत दिन से जिंदा छ। और इधर युवा सब का टोली है। अच्छा एक चीज हम जानने आए हैं, यहाँ आप लोगों से राय लेने आए हैं, एक चीज बताइए, गरीबों के लिए यहाँ श्मशान घाट सुखपुर में बनना चाहिए या नहीं, आप लोगों का क्या राय? तो जोर से आवाज बुलंद करिएगा तब ना होगा, धीरे से बोल रहे हैं, आप लोग का आवाज भी नहीं आ रहा हम लोगों के पास, तो जोर से कहबक तब ना, कि धीरे से बोल,
ककरे जोर से हो बनना चाहिए कि नहीं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे जो सभी गरीब का एक ही आवाज़ है, जो श्मशान घाट बनना चाहिए, गरीबों के लिए जरूर बनना चाहिए। सिर्फ कहा जा रहा है जो आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जहां मन वहां लाश को जो है ला करके यहां जला दिया जाता है। यहां जितना भी जनता है इस गांव के, सबका एक ही राय है, एक ही मत है, जो गरीबों के लिए श्मशान घाट बनना चाहिए। क्या बोले? रोड साइड में भी जलाते हैं तो आगे वाला रोकता है। रोकेगा जिसका जमीन है। हम फिर कहाँ जाएंगे? सुबह में मान के चलिए वहाँ कचरा फेंक रहा था तो गाली गलौज भी हुआ। हम आपको वीडियो दिखाएंगे। वो बोल रहा था जो मेरे जमीन में काय फेंकोगे। सही बात है, कोई भी कहेगा जो मेरे जमीन में लाश क्यों जलाओगे, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था होना चाहिए। सही बात है। एकदम जा पड़े हमारा सब तो तब पहुंच सकते हैं। लड़ना पड़ेगा तो लड़ जाएंगे सरकार। सुन रहे होंगे आप लोग वीडियो में, एकदम ही लोग जो है तैयार है, जो श्मशान घाट बनना चाहिए। हाँ, सब गोड़े मिलकर हमारा एकदम सब तैयार। कहने से नहीं होता जो हम गरीबों का नेता है। गरीबों का नेता है तो आप गरीबों का भला कीजिए, तब गरीब समझेगा जो हाँ मेरा नेता है। सिर्फ कहने से नहीं होता। आप अमीर हो गए, गरीब गरीब रह गया। कहाँ से गरीब का नेता है आप बताइए? कौन है गरीब का नेता सुखपुर में? एक भी आए मेरे सामने जो गरीब के लिए कहे, सीना ठोक के जो हाँ गरीब के लिए हम ये भलाई का काम किए हैं? नेता वेता कुछ नहीं है, जो करने वाला था वो कहता है हम ही है बाबू। और उससे हम लोग को जा रहे हैं और बताता है कि जो हम लोग को तो है नहीं कुछ। वो कहता है कि सर ऐसे ऐसे बात, तो हमारा सबको कुछ रास्ता बना दीजिए। देख सकते हैं ये सुखपुर, सुपौल और नवहट्टा का मेन रोड है जहाँ पे लाश जला जा रहा है, क्योंकि गरीबों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, कोई श्मशान घाट नहीं है, केंद्र नहीं है जहाँ पर गरीब जो है लाश जलाए। आता है हम लोग का कोनो दिमाग है? क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? हम क्या कहना चाहेंगे? हम इतना मान के चलिए जो कहता है जो हम आपका नेता है, गरीबों का नेता है, उसको तो आप लोग वोट दे के जिता देते हैं। आता है 5 मिनट के लिए, कहता है भैया कोई नेता नहीं है, गरीबों का नेता, नेता कोई नहीं है। अच्छा, हर व्यक्ति नेता है। हमारे घर में 5 परिवार है ना, 5 परिवार में 2 प्राणी। मेरे लिए श्मशान घाट नहीं है, रोड पर लाश जला रहे हैं हम लोग। आप लोगों के लिए श्मशान घाट नहीं बनाया, कब तक बन जाएगा, कुछ उम्मीद है? श्मशान घाट जमीन तो बहुत सारा है, देख रहे हैं इधर तो पूरा जमीने है, सरकारी जमीन है, कहीं भी बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो। हमको नहीं लगता है कि मेरे जीते जी श्मशान घाट बनेगा। आपके मरने के बाद बनेगा? अब हम मर जाएंगे तब कौन देखेगा उसको, श्मशान घाट बना कि नहीं बना? आपको उसी श्मशान घाट में न जलाएंगे? हमको ना, हम यहाँ रोड घाट में जलेंगे। मेरे लिए श्मशान घाट नहीं बनेगा। अब तक मेरे माँ बाप दादा दादी मर गए सब, बना ही नहीं तो अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? सही बोल रहे, हम मरेंगे ना तब रोड काट में जलेंगे। ये सरकारी रोड है ना, वहाँ पर हम जलेंगे। उसके बाद हमारा बेटा पोता जब मरेगा तब श्मशान घाट बनेगा कि नहीं बनेगा इसको कौन देखने देखता? देखने कौन आएगा? आप थोड़े देखने आइएगा तब। सही बात है, यही मेरा डॉक्यूमेंट है। रोड काट में जल रहा है, लाख देखते हैं फोटो लीजिए आप, महात्मा जी। हाँ जी।
कब बनेगा आप लोगों के लिए शमशान घाट? कब बनेगा, जवाब दीजिए ना। अब से तो सरकार के हाथ में छे, यही जनता जे छे कोई ध्याने नहीं दे छे, तो हम की कहब? ओकरे के ना क्या सके यार, के क्या सके? मुसलमान का बाउंड्री पर गेले बुरसो दिवा, हिंदू का कोई देखे वाला नहीं छे। मुसलमान के जता मन होता घेर के अपन बाउंड्री वाल क्या ले छे, जे कब्रिस्तान हुआ मेरा। ए गांव में कते मुखिया सरपंच फल्ला चिल्ला भेले कोई देखे वाला नहीं। हां सुनिए, इस दादी का क्या कहना है, बूढ़ी हो चुकी है दादी, और इनका कहना है जो सुखपुर में भी एक शमशान घाट बनना चाहिए। हिंदू मरे छे खाता खुती में दे छे, गरीब छे ते, गरीब छे ते, आ शमशान घाट बनल रहती है तो खाता खुती में डालल जतिए, तो सरकार जे एते दे छे। हां, आ हिंदू ला कुछो नहीं है, आ मुस्लिम के जत मने छे तो घेर ललक, ये मेरा कब्रिस्तान है, ओ तो दे दे। आ छोटका जे ई हर जन जे घेरते बड़के कहते हमर छियो, ये हमर छियो, सही बात, कोई करा दे छे तो सरकार जगह निकाल के देते ना, सरकार के काम छे ना जे जगह निकाल के देना है। हां, सरकार दो जगह निकाल के दो, अपन बनेते सब मान के चला। ई जमीन के हम कहबे हमर बाप के छे, तो सरकार के पास तो लिस्ट हेते जे ई हमर बाप के छे कि ककर बाप के छे। सरकार देते तब ना लोग बनेते, सही बात। आ कचरे भवन सब जगह बन गए तो आबे छे बे रोड साइड में उझल दे छे, एकटा मालो मरे छे उठे आबे छे खाला पड़ा त नहीं खा ले छे, तमा नहीं खा ले छे, फेंक दे छे, जबकि ओकरा जे छे जमीन खुल के गारे लके बताइए। दादी माँ का, दादी का आप लोग दर्द सुनी होंगी। ये दादी हुई क्या नंबर वार्ड घर बेला? आप 10 नंबर में। आप लोग सुने इस वीडियो में, आप ही लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा राय और कमेंट कीजिए जो सही कहना है इनका या गलत। अगर सही कहना है तो आप लोग सब मिल के हम लोग आवाज़ उठाएं और सुखपुर पंचायत को स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।